हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम सिंपल एंड इजी रेसिपी, ठीक है? अंडा मसाला मेरे स्टाइल से, ओके? मैं देखो, ये एक पैकेट बटर रखी हूँ 100 ग्राम का, इसमें से 75 ग्राम तो मैं बटर डाल ही दूँगी। मैंने सेवन एग्स मैंने बॉईल करके इसके पीसेस बना लियो। वन पिंच मैंने रेड चिल्ली पाउडर लियो। हल्दी मैं 1/2 टीस्पून ही डालूँगी और चॉप कॉरिएंडर लियो और 4 to 5 मैंने ग्रीन चिली ली, ओके? सबसे पहले हमने थोड़ा सी ऑयल डाल दी क्योंकि हमको बटर डालना है तो बटर जल जाएगा अगर ऑयल हम पहले नहीं डालेंगे। तो कभी भी हमको बटर डालना है तो उसमें पहले ऑयल डालना है, ऐसा तो हमारा बटर जल जाएगा। इसीलिए देखो, मैंने अब इसमें से थोड़ा बचा लूँगी मैं, देखो हाँ इतना सारा बटर, इसमें बटर ज़्यादा लगता है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली, इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसको हम बोनोफाई करेंगे, सौते करेंगे, ओके? ये देखो, इसको अच्छे से सौते करेंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो है, बटर अभी तक मेल्ट भी नहीं हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ पर है, अभी हुआ है। ये देखो, इसके अंदर हम डालेंगे बॉइल्ड एग्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे हम, क्योंकि हमने बटर में बना रहे तो बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं डालेंगे हम, थोड़ा डालेंगे, ओके? और मैं कभी भी नॉर्मल नमक यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये जो सेंधा नमक आता है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ, हिमालयन पिंक सॉल्ट, और हिंदी में इसको सेंधा नमक बोलते हैं, वो यूज़ करती हूँ मैं। नॉर्मल नमक सॉल्ट यूज़ नहीं करती हूँ, जो आते हैं रिफाइंड सॉल्ट्स, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सनफ्लावर ऑयल नहीं यूज़ नहीं करती हूँ, अक्सर मैं राई का तेल, सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, या तो फिर अगर कुछ फ्राई व्राई आइटम है तो मैं उसके लिए सफोला गोल्ड यूज़ करती हूँ, लेकिन सनफ्लावर ऑयल मैं घर में लाती ही नहीं हूँ। ये देखे कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, इसको थोड़ा हम भूनो फ्राई करेंगे, ओके? क्योंकि बटर है इसके अंदर, और इसके अंदर हम चॉप्ड कोरिएंडर डालेंगे। ये देखो, इसको अच्छे से हमको भूनो फ्राई करने का, अच्छे से सौते करने का, ठीक है? दो मिनट हम सौते करेंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। हम इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेंगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। आप बनाइए और मुझे बताइए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में बताइए मेरे चैनल के बारे में। यह रेसिपी मेरी डॉटर इन लॉ की है, उसने मुझे बताई थी तो मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ईजी, जब कभी कुछ नहीं है तो आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है? हो गई रेडी, अभी मैं आपको ये देखो, हमने प्लेटिंग कर चुके हैं, आप लोग भी बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।